अपडेट एंड लेटेस्ट टिक्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट टिक्स मिलती रहें। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हम किस तरीके से व्हाट्सएप की 5 मिनट टिक्स इस्तेमाल करके अपने अकाउंट्स के अंदर अपने फ्रेंड्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या इमेजिन चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही इजी है। आपने करना क्या है, व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करना है और किसी भी कंटेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ से हम वॉइस सेंड करते हैं इस ऑप्शन से आपने क्लिक करना और ऊपर की तरफ ले जाना, जिस तरीके से मैं ये लेगा। आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया है। अब जितना मर्जी आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर वॉइस वगैरह जो आप सेंड कर सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये एक मिनी ट्रिक है। आप इसको नंबर वन इसको आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वॉइस जो है वो 1 घंटे की 2 घंटे की सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये वॉइस कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल का भी है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने करना सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि आप किस तरीके से, इसका एक ही फीचर है, किस तरीके से आप लॉन्ग जो है वो सेंड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं दूसरी ट्रिक, उसमें आप बताएंगे वाल पेपर के मुतलक। आपने ये 3 डॉट पर जाना है और वाल पेपर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा गैलरी का, आपने गैलरी में जाना है, वहाँ से कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है और आपकी जो है वो वाल पेपर जो है वो सिलेक्ट होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि आप जब भी किसी को स्क्रीन शॉट वगैरह भेजेंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा आपने किस तरीके से ये पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर लगाई। जो थर्ड आप पास ट्रिक है वो ये है कि सर्च, आप पास कोई भी अगर कॉन्टैक्ट जिसकी आप पास हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी उसमें से इन्फॉर्मेटिव मैसेज जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सर्च वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे वो कुछ भी उसका टाइटल लिखें तो आपके सामने वो शो हो जाएगा, जिस तरीके से आपके सामने ये कलरफुल डी शो हुआ है। तो आप उसको सिलेक्ट करके मैंशन करके किसी भी फ्रेंड को ग्रुप के अंदर या इसके अलावा और कहीं भी उसको उसका रिप्लाई कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके मैंशन करके। तो इसके बाद नंबर 4 वाली जो ट्रिक है वो क्या है, आपने फिर इन्हीं 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आप पास एक ऑप्शन आएगा म्यूट नोटिफिकेशन, कि आप अपने नोटिफिकेशन को क्लोज़ करना चाहते हैं किसी भी फ्रेंड की, आप क्या कर सकते हैं नोटिफिकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं बगैर उसको ब्लॉक किए। तो ये एक छोटी सी, इसमें से आप क्या कर सकते हैं 8 आवर के लिए उसको सेलेक्ट करके उसके नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा 1 वीक के लिए और 1 ईयर के लिए आप कोई भी सिलेक्ट करें। इसके बाद शो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें। ये है नंबर 4 वाली आप पास ट्रिक। अब नंबर 5 वाली में आपने क्या करना है, फिर 3 डॉट पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐड शॉर्टकट, तो ऐड शॉर्टकट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस पूरा मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है, जो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट है, इसका एक आप पास स्क्रीन शॉट जो है वो जो है अकाउंट पे शो हो जाएगा स्टार्ट पे आपके मोबाइल पे। तो ये थी ट्रिक।